नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो ठीक है पर मन बेचैन है, या इसका उल्टा, दिमाग तो शांत है पर शरीर में कमजोरी सी लगती है। ये अनुभव इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके शरीर में फ्लो ऑफ एनर्जी सही ना हो। क्या आपको पता है, आयुर्वेद और योग की प्राचीन परंपराओं में हमारे शरीर में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स का वर्णन मिलता है, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में हम गहराई से इन चक्रों को समझेंगे। हम सीखेंगे कि प्रत्येक चक्र किस चीज के लिए होता है, ये कैसे कार्य करता है और ये क्या संकेत देता है। साथ ही हम कई तरीकों का अभ्यास करके अपने चक्रों को संतुलित करने के बारे में भी जानेंगे। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्र क्या है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चक्र के बारे में ही जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका शरीर एक विशाल नदी की तरह है। नदियों की तरह हमारे शरीर में भी एनर्जी फ्लो होती है। ये एनर्जी हमारे अंगों, मांसपेशियों और ऊतकों को जीवन शक्ति प्रदान करती है। चक्र इन एनर्जी फ्लो के केंद्र बिंदु हैं। वे भंवर की तरह घूमते रहते हैं, एनर्जी को ग्रहण करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जब चक्र स्वस्थ और संतुलित होते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छे से होता है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हालांकि तनाव, नकारात्मक भावनाएं और अस्वस्थ जीवन शैली चक्रों को रोक सकती हैं। इससे फ्लो ऑफ एनर्जी रुक जाता है या असंतुलित हो जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 7 प्रमुख चक्र, द 7 मेन चक्रास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 7 प्रमुख चक्र होते हैं? और हैरानी की बात तो ये है कि सभी का अपना अपना रंग, तत्व और कार्य होता है। सच में हमारे खुद के शरीर में इतना कुछ छुपा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अब जान जाएंगे। आइए इन 7 चक्रों को विस्तार से देखें। मूलाधार चक्र। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मूलाधार चक्र की, जो हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में सबसे पहला और सबसे जरूरी चक्र है। इसे मूल चक्र या भूमि चक्र भी कहा जाता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से में पेरिनियम नाम की जगह पर होता है। पेरिनियम हमारे मूत्र मार्ग और मलाशय के बीच का क्षेत्र होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है और इसका बीज मंत्र लम होता है। मूलाधार चक्र को हमारे जीवन ऊर्जा का आधार माना जाता है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये चक्र हमारी जड़ों को दर्शाता है और हमें धरती से जोड़े रखता है। मूलाधार चक्र के संतुलित होने से हमें सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास, जीवन शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य का अनुभव होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है तो हमें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि डर, चिंता, असुरक्षा, थकान और कम आत्मसम्मान। साथ ही पीठ दर्द, कब्ज और यौन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन चिंता मत करिए, मूलाधार चक्र को संतुलित करने के कई तरीके हैं। इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम, आहार और प्रकृति शामिल हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना मूलाधार चक्र संतुलित करें और एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। स्वाधिष्ठान चक्र। दोस्तों, दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इसे त्रिक चक्र या आधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी नाभि से 2 इंच नीचे पेट के निचले हिस्से में स्थित चमकता हुआ नारंगी रंग का चक्र है। इसका बीज मंत्र वम माना जाता है, जो सुनने में ही रचनात्मकता और प्रवाह की ऊर्जा जगा देता है। आपको पता है कि स्वाधिष्ठान चक्र को यूं ही रचनात्मकता और आनंद का केंद्र नहीं कहा जाता, बल्कि ये तो मानो हमारे अंदर के कलाकार, प्रेमी और भावुक स्वभाव का ही केंद्र है। यही वो चक्र है जो रिश्तों में मिठास खोलता है, कामुकता को सही दिशा देता है और खुद को बेबाकी से दुनिया के सामने रखने का आत्मविश्वास जगाता है।
जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है तो हम रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, प्रेम देने और पाने में विश्वास रखते हैं, करुणा से भरे होते हैं और हर पल के आनंद को महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश ये चक्र असंतुलित हो जाए तो मानो हमारे जीवन का रंग ही फीका पड़ जाता है। नेगेटिव भावनाओं का जाल हमें जकड़ लेता है, चिंता और अवसाद खेल लेते हैं, रिश्तों में दरार आने लगती है और खुद को व्यक्त करने में ही हिचकिचाहट होने लगती है। रचनात्मकता तो दूर की बात हो जाती है, पर आप घबराइए नहीं, स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं। योगासन जैसे बुद्ध कोणासन, भुजंगासन, मध्यासन और धनुरासन का अभ्यास इस चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। ध्यान के जरिए भी आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर फोकस कर सकते हैं। प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम भी इस चक्र को संतुलित करने में लाभदायक है। इसके अलावा अपने भीतर के कलाकार को जगाने के लिए कोई भी रचनात्मक गतिविधि, चाहे वो चित्रकारी हो, नृत्य हो, लेखन हो या संगीत, स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि पानी के साथ थोड़ा समय बिताना, जैसे स्विमिंग करना, स्नान करना या प्रकृति में बहते पानी को निहारना भी इस चक्र को संतुलित करने का एक सुखद तरीका है। तो देर किस बात की, आज ही अपना स्वाधिष्ठान चक्र जगाइए और एक खुशहाल, रचनात्मक और आनंद से भरपूर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाइए। मणिपुर चक्र। तो दोस्तों, अब बारी आती है मणिपुर चक्र की, जिसे नाभि चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्रों में से तीसरा चक्र है। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मणि यानी रत्न और पुर यानी स्थान, इसलिए इसे अक्सर चमकता हुआ स्थान भी कहा जाता है। ये हमारी नाभि के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है, जो सूर्य और अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस चक्र को 10 कमल की पंखुड़ियों वाले फूल के रूप में दर्शाया जाता है, जो हमारे शरीर में 10 प्राणों या ऊर्जाओं के प्रवाह को दर्शाता है। मणिपुर चक्र हमारे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत शक्ति को नियंत्रित करता है। एक संतुलित मणिपुर चक्र वाला व्यक्ति आमतौर पर ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य प्राप्त करने वाला होता है। उदाहरण के लिए, कोई खिलाड़ी जो हर मैच जीतने के लिए प्रेरित रहता है, उसका मणिपुर चक्र संतुलित माना जाता है। इसके विपरीत, असंतुलित मणिपुर चक्र वाले व्यक्ति कम आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं, जल्दी निराश हो सकते हैं या नियंत्रण की बहुत अधिक इच्छा रखते हैं। अनाहत चक्र। अब बात करेंगे अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से 4th चक्र है। यह हमारे सीने के बीचों बीच हृदय के पास स्थित होता है। इसे अक्सर प्यार, करुणा, दया और क्षमा से जोड़ा जाता है। अनाहत चक्र को 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में दर्शाया जाता है। हर पंखुड़ी हमारे एक खास गुण को दर्शाती है, जैसे कि परमानंद, शांति, प्रेम, करुणा और क्षमा। अनाहत चक्र संतुलित होने पर आप दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम भाव रख पाते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए प्यार पैदा कर सकते हैं और खुद को तथा दूसरों को माफ करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से देख पाते हैं। जब अनाहत चक्र असंतुलित होता है तो आप प्यार देने और लेने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपको दूसरों पर गुस्सा आ सकता है या फिर खुद से नफरत हो सकती है। माफी मांगना या देना भी मुश्किल हो सकता है। अगर आप अपने अनाहत चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो योग, ध्यान और दयालुता के काम कर सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना, प्रकृति में घूमना या फिर किसी की मदद करना, ये सभी चीजें आपके अनाहत चक्र को सक्रिय करने में सहायक हो सकती हैं। विशुद्ध चक्र। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों विशुद्ध चक्र की, जो हमारे शरीर का 5वां चक्र है, जिसे गले का चक्र भी कहते हैं। ये हमारे गले के पीछे स्थित होता है और बातचीत तथा सेल्फ मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। इसे आसान शब्दों में कहें तो विशुद्ध चक्र हमारे सच बोलने और दूसरों को प्रभावी ढंग से अपनी बात समझाने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी मीटिंग में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते या गाते समय हिचकिचाते हैं, तो हो सकता है आपका विशुद्ध चक्र संतुलित ना हो। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप लेखक हैं और लिखते समय शब्दों का सहज प्रवाह महसूस करते हैं, या कोई गायक है जो अपनी आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, तो ये इस बात के संकेत है कि उनका विशुद्ध चक्र सक्रिय और संतुलित है। आज्ञा चक्र। दोस्तों, आज्ञा चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये माथे के ठीक बीच में दोनों भौं के बीच स्थित होता है। आज्ञा का मतलब होता है आदेश। इस चक्र को जागृत करने से अंतर्ज्ञान और स्पष्ट सोच का विकास होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चीज को लेकर असमंजस में होते हैं, तो अचानक ही आपको सही निर्णय लेने की सूझबूझ आ जाती है, तो समझ लीजिए ये आपके आज्ञा चक्र का प्रभाव हो सकता है। इस चक्र का रंग सफेद होता है और इसे शुद्ध मन और आत्मज्ञान से जोड़ा जाता है। योग में माना जाता है कि तीन प्रमुख नाड़ियों, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, आज्ञा चक्र पर मिलती हैं। इन्हें नाड़ियों से होकर प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हमारा आज्ञा चक्र संतुलित होता है, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है, हम चीजों को गहराई से समझ पाते हैं और अंतर्ज्ञान की शक्ति भी मजबूत होती है। सहस्त्रार चक्र। तो अब दोस्तों बात करेंगे आखिरी चक्र की, यानी सहस्त्रार चक्र की, जो हमारे शरीर का सबसे ऊंचा चक्र माना जाता है। इसे सहस्त्र कमल या ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यह सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, जहाँ पर छोटे बच्चों के सिर में थोड़ा नरम स्थान होता है। यह चक्र हमारे आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांड से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसे हजार पंखड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में दर्शाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस चक्र के जागृत होने से हमारे चेतना का पूर्ण विकास होता है। अगर आपने कभी किसी संत या ऋषि को ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी समाधि लगाते हुए देखा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र में केंद्रित कर रहे हैं। इस चक्र के सक्रिय होने से हमें आत्मिक शांति, ब्रह्मांड से जुड़ाव का अनुभव और जीवन का गहरा अर्थ समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि पेड़ अपने शीर्ष से आसमान की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह सहस्त्रार चक्र भी हमें ऊपर की ओर, आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख करता है। चक्र को संतुलित करने के तरीके। दोस्तों, अब हमने चक्रों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये जानना जरूरी है कि हम अपने चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं। चक्र संतुलन के लिए कई तरह के अभ्यास किए जा सकते हैं। आइए कुछ लोकप्रिय तरीकों पर गौर करें। पहला, योग। दोस्तों, योगासन और प्राणायाम चक्र को संतुलित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। और ये तो हम भी जानते हैं कि योग कितना प्रभावी होता है हर काम के लिए। विशिष्ट योगासन शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित करते हैं, जिससे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही प्राणायाम श्वास नियंत्रण के माध्यम से प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य नमस्कार सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। इसी तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम शांत करने वाला अभ्यास है, जो स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है। दूसरा, ध्यान। ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ध्यान के दौरान आप विशिष्ट चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और किसी भी रुकावट को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आप गाइडेड ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जहां कोई मार्गदर्शक आपको चक्रों के माध्यम से ले जाता है, या आप स्वयं ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र का अपना विशिष्ट मंत्र होता है, जिसे जपने से उस चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिलती है। तीसरा, स्फटिक। दोस्तों, स्फटिक एक तरह का पत्थर होता है, जिसे अक्सर लोग अंगूठियों में उहते हैं। विभिन्न प्रकार के स्फटिकों का उपयोग चक्र को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र का एक संबंधित स्फटिक होता है, जिसे शरीर पर रखने या ध्यान के दौरान उपयोग करने से लाभ मिलता है।
उदाहरण के लिए लाल जास्पर का पत्थर मूलाधार चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है, वहीं पीला पुखराज यानी सिट्रीन मणिपुर चक्र के लिए लाभदायक माना जाता है। सभी स्फटिकों के बारे में अधिक जानने के लिए किसी जेमस्टोन विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। चौथा, रंग चिकित्सा। दोस्तों, रंग चिकित्सा में ये माना जाता है कि विभिन्न रंगों का हमारे शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। चक्र संतुलन के लिए आप अपने परिवेश में उन रंगों को शामिल कर सकते हैं जो अवरुद्ध चक्रों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका हृदय चक्र अवरुद्ध है तो आप अपने आसपास हरे रंग की वस्तुओं को रख सकते हैं या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पांचवा, ध्वनि चिकित्सा। दोस्तों, ध्वनि चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के ध्वनियों और संगीत का उपयोग करके उपचार किया जाता है। चक्र संतुलन के लिए आप उन स्वरों या संगीत का उपयोग कर सकते हैं जो विशिष्ट चक्रों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, ओम मंत्र का जाप करना सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक होता है। वहीं विशुद्ध चक्र के लिए संगीत के सा नोट का उपयोग किया जा सकता है। आप ऐसे ध्यान या संगीत कार्यक्रम ढूंढ सकते हैं जो विशेष रूप से चक्र संतुलन के लिए बनाए गए हों। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वह आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।